लास्ट क्लास हमने कुछ एनर्जीज पढ़ी थी, लाइक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड कुछ अदर इंफॉर्मेशन लाइक हाइड्रेटेड रेडियस, आयनिक मोबिलिटी एक्सेट्रा. आज हम सिर्फ पता है बॉन्ड हबल साइकिल एट एन अगेन. हमने अभी तक जितनी भी एनर्जी पढ़ी उन सबका यहाँ पे यूज होगा, सबका, और जो नहीं पढ़ी उसका भी यूज होगा. व्हाट इज बॉन्ड हबल साइकिल? मिस बाइकल क्या फील आ रहा है? बॉन्ड कुछ बॉन्ड होगा, क्या बॉन्ड होगा? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाने का. ये साइकिल किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, सो एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग बॉन्ड हबल साइकिल यूज करना शुरू करेंगे. सुनेगा चीजें बहुत आसान, बहुत इजी चलेगी. सो कोई आयनिक कंपाउंड आप बताइए, उसको मैं शुरू करता हूँ. आपका फेवरेट कंपाउंड NaCl, वहां से शुरू करते हैं. आप लिखिए मत, सिर्फ समझिए. देखो क्या करने के, देखो कंस्ट्रक्ट करना साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. एग्जैक्टली, सो आपसे पूछना चाहता हूं कि NaCl किससे बना होगा बताइए. किससे? सोडियम कार्बोनेट, ऐसा एक वर्ड यूज किया. ठीक है, तो आपने एक वर्ड यूज किया, उसको मैं एग्जांपल लिख देता हूं. आपने बोला Na+ गैसेस आए प्लस Cl- गैसेस आए, आपने ऐसा बोला. ठीक है, और कोई कुछ बोला था? तो आप बोल रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनाइए क्या अभी दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं? अब यहां तो कोई डाउट, यहां पे डाउट होना चाहिए. यहां पर मैं लिखूंगा सोडियम एट रूम टेम्परेचर को किस तरह से मिलता है. क्या सोडियम आपको मॉलिक्यूल फॉर्म मिलता है Na2 Na4 Na16 या Na मिलता है? नंबर एक. नंबर टू, क्या स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड लिक्विड रहेगा. सोडियम बैलेंस्ड है क्या? चेक करो. अब नेक्स्ट है क्लोरीन. हमें क्लोरीन कैसे मिलता है? Cl, Cl2, Cl3, Cl4, Cl8 कितना? ओनली Cl. Cl2 फॉर्म मिलता है. Cl2 कौन से स्टेट में मिलता है? अब क्या चीजें बैलेंस हुई है? नहीं, तो बैलेंस करो. कैसे बैलेंस करेंगे? सो कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं हमें हाफ कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें टू यहां से टू को मल्टीप्लाई करो. मैं टू से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने का है. मैं टू से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा. क्यों? वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो यहां पर हाफ करूंगा. मैं आपको सिर्फ ये दूंगा स्लॉप, कुछ नहीं दूंगा. आप ये दोनों रीजन खुद लिख सकते हो खुद. ओके, क्लोरीन किस फिट का होगी एट रूम टेम्परेचर? गैसेस. क्लोरीन, ब्रोमीन, लिक्विड, आयोडीन. याद रखना, मैं यूज करूंगा. एग्जैक्ट क्लियर? अगला बार पक्का ही लिख लोगे? यहाँ पे जो ये दोनों आयंस मिलकर जब ये बनाएंगे तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी. और उस एनर्जी क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी डेफिनेशन भी है, लैटिस एनर्जी ऑफ एनर्जी. पर यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन, सो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, नॉट वी इज नॉट अब्सॉर्ब, आई डोंट नो कौन सा है. अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व for formation of one mole of ionic compound from the respective constituent elements which exist in room temperature. Na+ plus gas आएगा, आएगा बीच में कुछ खाली भी आएगा. आप भी बताओगे क्या आएगा? आप बताओ. बट लैटिस एनर्जी डेफिनेशन ये होगी, ये आप जानते हैं. हाँ ठीक है, अब आप खड़े हो. यहां तो फिजिकल डाउट. अब हमें क्या करना है? इसको फिल करना है. यहां से यहां तक चीजों को फिल करना है. कैसे फिल करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आइए धीरे धीरे. यहां पे क्या लिखा हुआ?
क्लिंजिंग के लिए कवर, सॉलिड वर्क इसमें कर कैसे कवर करूं, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होती है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करूंगा यहां पे, तो सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉरी बाय द वे कितने सॉलिड को मेरे को सब्लाइम करना है, 1 2 3 4 इधर पे 2 लिखा होता है, 2 टाइम्स करता हूं, 10 लिखो तो 10 टाइम्स लिखता हूं यहां पे, क्लियर। ओके गाइस, अब बताओ क्या बना, अब पहला प्रॉब्लम क्लियर, अभी भी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, अब बताओ मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसका मतलब कौन सी, 1 2 3 ऑफ सोडियम, यहां तक किसी को डाउट, डाउट नहीं, कंफर्म। ओके, अब बताइए कि यहां से यहां पे क्या करूं, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आएंगे ऑलवेज, यहां पे लिखा जी, यहां पे लिखा जी, चेंज करने का, यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 1, तो यहां पे 2 लिखा ना, यहां पे क्या लिखा, 1, यहां पे लिखा पे आप वो बात करने की बात नहीं, तो पॉइंट मेरा ये है कि यहां पे Cl2 से Cl कैसे लाऊं, तो Cl2 से मैं Cl कैसे लाऊं, बॉन्ड को तोड़े, तब हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको देना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2, बाय द वे कितने Cl2 को तोड़ने का, आता है सीधा करो, इधर मैं 3 लिखा होता तो कितना लिखा, 3 3 बाय 2 लिखा होता तो 3 बाय 2 कितना Cl2 तोड़ने का आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एक Cl2 तोड़ने से कितने Cl मिलते हैं, और हाफ Cl2 तोड़ने से कितना Cl मिलेगा, क्लियर है, यहां पे पहले से कितना Cl मिलने वाला को 1 Cl, किसको डाउट है इसका, नहीं अब नेक्स्ट पेज है, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी 1 2 3 को कौन सा, ऑफ सॉरी एंड डाउन, सो कंप्लीट वन, बॉन्ड नंबर साइकिल कंप्लीट वन, मैं आपको सिर्फ सिर्फ बोलूंगा कंस्ट्रक्ट बॉन्ड नंबर साइकिल ऑफ NaCl और कुछ नहीं, आप बाकी खुद कंप्लीट करेंगे, हर एक स्टेप खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक भी चीज मैं नहीं बताऊंगा, क्लियर। अब रुकिए, अभी को बात आती है लास्ट वन, व्हाट इज हैस लॉ, कौन सा लॉ, हैस लॉ, ठीक है,